के बारे में पढ़ेंगे। डीओल स्टार्टर, डीओल स्टार्टर आपका पूरा नाम है इसका, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। 3 HP तक की मोटर को चलाने का काम करता है ये डीओल स्टार्टर, ठीक है ना। इसके अंदर ये आपके इसके स्विच है, ठीक है, ऑफ ऑन, ठीक है, ग्रीन वाला और ये आपका रेड वाला। इसके जो स्विच है, इस स्विच को की लॉक प्रकार का स्विच कहते हैं, की लॉक, ताला चाबी प्रकार का स्विच, की लॉक, ठीक है ना। क्योंकि इसको ऑन और ऑफ करने के लिए इसमें आपको ये की लगानी पड़ती है, जब जाके लॉक होता है, समझ में आ गया। और इसको भी लॉक करने के लिए आपकी की लगानी, ठीक है ना। इस तरह से इसको ऑन ऑफ करने के लिए की लॉक प्रकार का स्विच प्रयोग में आता है। फिर इसको जैसे अपन स्टार्टर को खोलेंगे, तो ये इसके स्विच जो है वो आपके इस कॉन्टेक्टर पर आती है, ये दो स्विच, ठीक है, ऑन और ऑफ। ये आपका पूरा कॉन्टेक्टर है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक जो दिख रहा है आपको कॉन्टेक्टर है। और नीचे जो दिख रहा है आपको ये NVC है, क्या है? NVC नो वोल्ट कॉइल। अपने जो DC स्टार्टर में आपने देखा था, DC स्टार्टर जैसे कि आपने DC मोटर को स्टार्ट किया था, सीरीज मोटर को, शंट मोटर को, कंपाउंड मोटर को, 3.4 स्टार्टर में NVC थी, वो क्या कर रही थी, हैंडल को होल्ड कर रही थी। वैसे ही इसमें कॉन्टेक्ट को जोड़ना और तोड़ना इसका प्रमुख काम है। NVC की पुलपा में 9 वोल्ट कॉइल, ठीक है। इसके अंदर पतले तार बहुत अधिक टर्न होते हैं, यानी कि पतला तार लेते हैं तो बहुत अधिक आटे लगाते हैं, 300, 400, 500 आटे हो सकते हैं। इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमेशा पतला तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है और मैग्नेट भी अच्छा बनता है, आपका चुंबक ऐसे एक तरह मजबूत बनता है। तो वो वाली कॉइल के ये सिरे हैं आपके NVC के, NVC 9 वोल्ट कॉइल, जो कॉन्टेक्ट को जोड़ना तोड़ने का काम करती है। इसके कॉन्टेक्टर के, ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर आपका मुख्य तौर से बैकलाइट से बनाया जाता है, ये आपका बैकलाइट का पूरा इसका बेस है, आधार है। अब इसके टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल इसके देखो 3 इनपुट है, 1, 2, 3, RYB पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, 3 फेज है। तो 3 फेज मोटर को चलाना है तो 3 फेज लगेंगे, तो 1, 2, 3 इसके टर्मिनल हो गए, RYB। चौथा सर ऑक्सिलरी, इनपुट के बाद में आउटपुट, यानी कि सप्लाई इधर आएगी और उसके बाद आपको मोटर को भी देना है, तो मोटर को देने के लिए ये पहला RY और ये B। बचा हुआ सिरा ये दिख रहा है आपको, ये इसका ऑक्सिलरी यानी कि सहायक सिरा है, जो मोटर को ऑन और ऑफ करने काम आता है, जो अपन ने ये डायग्राम में समझा था ऑक्सिलरी सिरा, ऑन ऑफ के लिए। इसका संबंध किससे है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का मुख्य काम होता है स्विच को सप्लाई देना और हटाना, ठीक है। और ये आपकी पूरी NVC है, इसके अपन टेस्टिंग करेंगे, उसके बारे में डिटेल में सिर्फ पढ़ा दिया था। इसके अंदर कॉन्टेक्टर इसका नाम है, संपत्कर इसको हिंदी में कहते हैं। इसका प्रचालन 1 घंटे में 60 बार यानी 1 मिनट में 1 बार होता है, ठीक है ना। यानी कि 1 घंटे में 60 बार कॉन्टेक्ट को जोड़ना और तोड़ना यह काम कर सकता है। यानी कि इसकी ऑपरेटिंग पीरियड कितना होता है, 1 मिनट, 1 मिनट, एक बार 1 मिनट, यानी कि 1 बार कॉन्टेक्ट को जोड़ेगा तोड़ेगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। ये इसका टाइम होता है, यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर ये 60 बार कॉन्टेक्ट को मेक एंड क्लोज करता है, समझ में आ गया, 30 सेकंड का हो गया सर। हाँ, और दूसरी चीज इसके अंदर बैकअप फ्यूज होता है, जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये बैकअप फ्यूज ही है, इसको आप सेट कर सकते हो, सेट करके आगे पीछे करके इसको आप सेट कर सकते हो। ये फ्यूज है, इसे बैकअप फ्यूज कहते हैं। ये आपके ऑन ऑफ एन और ऑफ, ऑन ऑफ स्विच है इसके। ये आपकी NVC कॉइल हो गई, जो कि जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है तो ये इसके अंदर चुंबक बनता है, और चुंबक जैसे ही लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है वैसे ही ऊपर जाके चिपक जाएगा। ये NVC है, और ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये पूरा क्या है, प्लंजर कहते हैं इसको। ये जो स्प्रिंग लगी हुई है और सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है, ये दिख रहा है आपको सॉफ्ट आयरन, खड़े होकर देख लो एक बार। हाँ सर।